हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज आप लोगों को सिखाएंगे, जैसे कि जो स्लीव होता है ना, मैंने दिखाया जो डबल कटोरी में शॉर्टिंग दिखाया, प्रिंसेस कट में शॉर्टिंग दिखाया, एलिट कट में शॉर्टिंग दिखाया। तो एक बात फ्रेंड मैंने थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, और एक बात भी आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड जो अगर कुछ एक्सप्लेन हम लोग करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि घर में यानी कि ऑनलाइन में सीखने का कोई माध्यम नहीं है। कुछ लोग दिखा रहा है, हम सीख रहे हैं, वो सीखने का तरीका नहीं है। मगर जो नॉलेज में दे रहा हो फ्रेंड, इसे आप अगर आप लोग एक बार ब्रेन में आप लोग ले लेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, जो लोग घर में बैठ कर सीख रहे हैं, अगर किसी को इंस्टीट्यूट में जाने का संभव है तो अलग बात है। ठीक है, तो फिर भी जो नॉलेज में दे रहा हो थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, मैंने कहना चाहता हूँ फ्रेंड, जो शॉर्टिंग हम लोग किस क्यों करते हैं, शॉर्टिंग इसलिए करते हैं, मानिए हम लोग एक पैटर्न कट किया है। तो पैटर्न में क्या होता है, हम पैटर्न मास्टर जो तैयार करते हैं, पैटर्न तैयार करते हैं, मानिए कुर्ती वगैरह, ब्लाउज वगैरह, कुछ भी हो, जो कुछ हम तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम वो तैयार होता है, मगर वो सही है और गलत है वो हमें पता नहीं चलता है। मगर जो शॉर्टिंग हम लोग करते हैं एकदम से परफेक्ट हमें पता चल जाता है, आफ्टर स्टिचिंग इसका कितना क्या मेजरमेंट आ जाएगा, आफ्टर स्टिचिंग वो हमें पहले से ही पता चल जाता है। मानिए आपका नॉर्मल बस्ट, बहुत लोग बोलते हैं सर हमने तैयार कर दिया है उसके बाद ये फिटिंग्स प्रॉब्लम आ गया। तब मैंने उन लोगों को बोलता हूँ अब शॉर्टिंग की, तो वो लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरीके से शॉर्टिंग करना है। तो एक बार आप जरूर देख लीजिए शॉर्टिंग प्रिंसेस कट प्रशांत कर लिखिए, शॉर्टिंग डबल कटरी प्रशांत कर लिखिए, तो आप लोगों को वो वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आज एक लेटेस्ट, आप लोगों को लगेगा ये बहुत ही सिंपल है, ये शॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, मगर ये एक जैसे कि ब्लाउज में फ्रेंड 80% इसका जैसे कि क्या होता है, इसका 80% वो भाग ले लेता है, 80% यानी कि फिटिंग्स होने में। तो इसका शॉर्टिंग जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो शॉर्टिंग में दिखा रहा हूँ, स्लीव का मैं शॉर्टिंग दिखा रहा हूँ, किस तरीके से हम लोग स्लीव को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, और कोई भी ड्रेस हो यानी कि कुर्ती वगैरह ड्रेस कुछ भी हो, सभी में ये टेक्निक काम आएगा। मैं तो दिखा रहा हूँ सिर्फ ब्लाउज में, ठीक है, कुछ लॉजिक आप लोगों को पता चल जाएगा, और साथ ही साथ बहुत कुछ है ब्लाउज में बताने के, बहुत कुछ है। तो चलिए, जितना हो सके मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कुछ भी हम हमारे पास नहीं रखेंगे, जितना हो सके हम हमारा चैनल में हम दे देंगे, आप सीखते रहिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से तैयार करना है। ये है हमारा एक बैक पार्ट, तो बैक पार्ट, और ये है हमारा एक स्लीव। ओके फ्रेंड, तो ये जो स्लीव है, इस स्लीव को शॉर्टिंग करना है, यानी कि हमने ये जो कट किया है, बेसिकली स्लीव में क्या प्रॉब्लम होता है, इस जगह में प्रॉब्लम होता है, ये जितना डेप्थ हमने किया है, अगर इस जगह को हम इसी तरह देखूं फ्रेंड, तो देखिए इस जगह में गैपिंग आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये जो गैपिंग है हमेशा इसमें ही गलतियां होता है, ये कितना ज़्यादा करो, कितना ऊंचा करो, इस जगह में किस तरीका से करो, ये होता है शॉर्टिंग। अगर आप गलत कट भी करेंगे तो इस जगह में आप लोगों को परफेक्शन हो जाएगा। देखिए, आप लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग प्रिंसेस कट करते हैं, एलिट कट करते हैं, वो गलतियाँ तो होता है, मगर जैसे ही हम लोग शॉर्टिंग करते हैं उस वक्त वो एकदम परफेक्शन आ जाता है। उसी तरीके से स्लीव का भी इसी तरह बहुत कुछ मेजरमेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं है क्या मेजरमेंट है स्लीव का। तो देखिए, स्लीव का ये सब मेजरमेंट आप लोगों को एकदम नया लगेगा, जी अरे ये भी होता है स्लीव में, तो देखिए ये सब बहुत मायने रखता है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मानिए हमारा ये जो बैक पार्ट हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले बैक पार्ट, ये डीप नेक है फ्रेंड, देखिए मैंने डीप नेक में दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर से परेशानियाँ डीप नेक में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस जगह में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और मानिए हमारा ये जो है फ्रेंड आर्म होल, मैंने एक वीडियो में बताया आप लोगों को किस तरीका से हम लोग आर्म होल में जो शेप देते हैं वो शेप गलतियाँ तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक मेज़रमेंट आप लोगों को दिखा, यहाँ से यहाँ तक एक मेज़रमेंट लेकर उसे ठीक करना है, अगर चाहिए वो डेप्थ करना है वो डेप्थ कर लेंगे। तो मैं मानता हूँ चलो हमारा बैक पार्ट सही है, ये स्लीव का वीडियो है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है हमारा स्लीव, और ये हमारा शॉर्टिंग किया हुआ स्लीव है। तो देखिए किस तरीके से कर रहा है, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टाइम हम जब शॉर्टिंग करेंगे तो
और ये जो बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट का स्टाइल अब मैं आप लोगों को बता दूं, इस बैक पार्ट का स्टाइल है नेक की तरफ शेप दे दिया है मैंने, ठीक है, नेक की तरफ मैंने शेप दिया है, मैंने राइट तरफ यानी कि शोल्डर की तरफ मैंने शेप नहीं दिया है, ये इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मगर फिर भी हमें तो मतलब है इस जगह से। तो ये देखिए इस जगह में आप लोग जैसे ही फ्रेंड जो शॉटिंग करेंगे, आप लोग फ्रेंड जरूर हमारा जो आर्म होल जो रिंकल्स क्यू आता है, जो नया मैंने अपडेट किया है, वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड ये देखिए इस जगह में इसी तरह एकदम लेवलिंग होना चाहिए, ये देखिए, और हम लोग फॉर्मूला यूज़ ना करके भी इसी तरह स्लिप कट कर सकते हैं। आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये नया वाला टेक्निक स्लिप कटिंग का मैंने दिखा दूंगा आप लोगों को, किस तरीके से एक बार हमारा जो बॉडी कट हो जाए तो बॉडी से हम किस तरीके से कट करें, मैंने आप लोगों को दिखा दूंगा, नीचे कॉमेंट्स में लिखिए तो हम दिखा देंगे। तो फिलहाल मैं शॉटिंग दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए आप लोगों को इस तरीके से शॉटिंग करना है, ये वाला हिस्सा एकदम सीधा रखना है इस जगह से, ठीक है, और जैसे ही ये सीधा वाला हिस्सा नीचे की ओर जाएगा, वो नीचे वाला हिस्सा इसी तरह जितना हो सके हम इस जगह के, मानिए हमारा तो एकदम परफेक्शन है इस जगह में, इतना सा मैंने इस जगह में दिया है, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा इतना करके देखेंगे, मगर जितना मैंने इस जगह में कोशिश कर रहा हूँ, नीचे एकदम लेवलिंग है इस जगह में, ठीक है, और बहुत लोगों को इस जगह में इसी तरह हो जाता है, इसी तरह वो एकदम गलत भी नहीं है, वो सही है, उस तरीका से भी होगा, आप लोग कर सकते हो, मगर क्या क्या है अलग अलग जगह में अलग अलग टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कभी कभी देखेंगे जो हम लोग शोल्डर को अगर थोड़ा सा कम कर लेंगे तो उस वक्त हम लोगों को टेक्निक चेंज करना है, मगर कहाँ पर कौन सा टेक्निक यूज़ होगा फ्रेंड वो हम अलग अलग वीडियो में हम बता देंगे, जितना हो सके हम बता देंगे। फिलहाल इसमें जो हमें बॉडी का शेप मिला है तो उसी तरीका से हम शॉटिंग कर रहे हो, तो इस तरीका से ही। और साथ ही साथ फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा आपको ये जो स्लीव है ना, इस स्लीव को इसी तरह फोल्ड कर दीजिए ऐसे, ये देखिए इसी तरह ऐसे करके आप फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे, ये देखिए। तो जैसे आप इसी तरह ऊंचा करके फोल्ड करेंगे फ्रेंड, ये आपका जो लेवल है ना, तो ये जो सनमाई का है ना बॉय, जो हमारा इस जो टेबल है, टेबल के साथ इसी तरह एकदम मिल जाएगा, ये देखिए इसी तरह एकदम मिल जाएगा। आप लोगों को अगर लगे वो एकदम घूम रहा है और जैसे कि एकदम लेवलिंग हो के, तो मानिए आपका स्लीप एकदम परफेक्शन है, और इसमें आप 200% आप उस लिख लीजिए वो रिंकल्स इस जगह में नहीं है, कभी नहीं आ जाएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस जगह में तो वो चांसेस ही नहीं है। और ये तो एक तरीका है, मैंने अगर दूसरी जो तरीका है वो एक वीडियो में मैंने बताया जो कि रिंकल आता है, तो उस वक्त तो आप लोगों को ये स्लिप करने का तरीका ही यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा आने का सवाल ही नहीं होता है, वो टेक्निक मैंने इस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। और साथ ही साथ ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, आप लोग इसी तरह शॉटिंग करेंगे, बस हो जाएगा इसी तरह। और मैं सिर्फ दिखा तो नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड, मगर इसमें क्या है, वो हमारा जो ये टेबल है, टेबल के साथ एकदम लेवलिंग है, बस ये तरीका यूज़ करें। और दूसरा और एक टेक्निक होता है जो ब्लाउज में इसी तरह बाहर की ओर जो शेप होता है, इसी तरह शेप होता है फ्रेंड, तो देखिए वो शेप में भी इसी तरह काम, देखिए अब नहीं काम आ रहा है, तो देखिए काम कर, ये ठीक तरीके से करने के लिए किस तरीके से करना है, ये जो लेवलिंग है ना फ्रेंड, ये लेवलिंग हमें देखनी है। और उसके बाद देखिए जो पहले वाला स्लीव है उसके साथ तो सेट हो रहा है, मगर इसमें सेट नहीं हो रहा है, तो देखिए क्यों नहीं हो रहा है, ये देखिए आप इसे काम कर सकते हो, नीचे की ओर इसी तरह दे दीजिए और इसे इसी तरह आप सीधा कर दीजिए, ये देखिए इसे इसी तरह सीधा कर दीजिए, यानी कि ये एकदम सीधा, ओके। और उसके बाद जिस जगह में नहीं आ रहा है इसी तरह थोड़ा सा घुमा दे दीजिए, तो ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा हम इस जगह में शेप देनी है इसे ठीक करने के लिए, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है फ्रेंड, ऐसे, ये देखिए एकदम इस जगह में मेल हो गया, एकदम लेवलिंग हो गया इस जगह में। और बाकी बचा जो जिस जगह है फ्रेंड, तो हम यहाँ से ऐसे करके घुमा लेंगे इस जगह में, ठीक है, थोड़ा सा करके इस जगह में घुमा लेंगे, तो आप लोग को देखेंगे जो कुछ ब्लाउज में क्या होता है, इधर एकदम लेवलिंग होता है, मगर इस जगह में थोड़ा सा इतना सा रहता है, मगर वो एकदम सही प्रोसीड्यूर है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, वो फिटेड है। और एक तरीका स्लीव में होता है फ्रेंड, जैसे कि लेंथ आप लोग करेंगे और उसके साथ साथ इसी तरह जो हमारा जो एंगल होता है फ्रेंड इस जगह में 90 डिग्री जो एंगल होता है, वो एंगल से इसी तरह मैच होना चाहिए, ठीक है,
ऐसे करके मैच होना चाहिए, वो अगर ना होंगे तो नहीं चलेगा। और फिर भी आप लोगों को अगर ये वीडियो से भी आप लोगों को कोई परेशानी हो रहा है तो फिर हमारा जो ब्लाउज सीक्रेट फार्मूला के अंदर मैंने एक नया अपडेट दिया है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने अगेन अगेन बता रहा हूँ, इस वीडियो में ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ये इसी तरह का रिलेटेड वीडियो है। उसमें मैंने इस जगह का एक मेज़रमेंट, इस जगह का एक मेज़रमेंट मैंने अलग अलग करके दे दिया है उस जगह में। आप लोग देख कर बहुत आप लोगों को आसान होगा। और साथ ही साथ हमारा स्लीव लेंथ तो स्लीव राउंड तो है ही। बस ये था छोटा सा टिप्स। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। और आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।